जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह, मैं कोलकाता खन्ना हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में 11वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ और आज मैं आप सभी के सामने अपनी छोटी सी भाषण लेके आई हूँ। मेरे भाषण का शीर्षक है वीर लचित बोरफुकन। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि आज हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, आज हम स्वयं का व्यापार शुरू कर सकते हैं, आज हम सरकार चुन सकते हैं, क्योंकि आज हम स्वतंत्र हैं। और यह स्वतंत्रता हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ है, कई सारे वीरों ने, कई सारे वीरांगनाओं ने, कई सारे योद्धाओं ने, कई सारे सैनिकों ने रणभूमि उन्होंने लड़कर अपने लहू को बहाकर अपने प्राण को बलिदान देकर उन्होंने हमें यह स्वतंत्र भारत दिलाया है। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, महान देशभक्त लचित बोरफुकन जी एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना रक्त रक्त बहा दिया, जिन्होंने देश के लिए अपने परिवार तक को निछावर कर दिया। लेकिन 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 आज हम ऐसे इतिहास के पन्नों को पढ़ते हैं जहाँ पे ऐसे महान लोगों के बारे में, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में वर्णन ही नहीं रहता है। मुगल कब आए, औरंगजेब कब आए, कब तक शासन काल चला, इन सभी को ही पढ़ते हैं। लेकिन हम भले ही पुस्तक को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन 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 हम जागरूकता तो ला सकते हैं। लचित बोरफुकन जिनका जन्म 24 नवंबर 1622 ईस्वी में हुआ था, बचपन से बहुत ही ज्यादा जोशीले एवं प्रतिभाशाली थे। 24 नवंबर को प्रति वर्ष असम में लचित दिवस मनाया जाता है। कौन थे लचित बोरफुकन? लचित बोरफुकन एक महान सेनापति थे अहोम साम्राज्य के। वो अहोम साम्राज्य जो म्यांमार से आए थे, उनका अलग जाति था, अलग धर्म था, अलग वेशभूषा था, फिर भी वो असम में रहकर उन्होंने हिंदी भाषा को महत्व दिया। उन्होंने सबको अपना समझा, उन्होंने अपने जाति धर्म किसी चीज़ को किसी पर थोपा नहीं, किसी को वो दिए नहीं। उन्होंने कहा कि मैं जिस जहाँ मैं आया हूँ मुझे उसी चीज़ को अपनाना है। चकित होगा कि इतना पुराना अहोम साम्राज्य था, उन्होंने लगभग 600 वर्षों तक हमारे देश पे, असम पे उन्होंने शासन किया था। लचित बोरफुकन उन्होंने शास्त्र, सैनिक एवं उन्होंने मानविकी शिक्षा को प्राप्त किया था। जैसा कि हम जानते हैं, सच्चा देशभक्त कौन होता है? जो देश की हर मुसीबत को लड़े, हर मुसीबत से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। तो लचित बोरफुकन ऐसे ही थे। आपको जानकर आश्चर्यचकित होगा कि उस समय 17वीं शताब्दी में मुगलों ने हमारे देश के अत्यधिक जगहों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन 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 मुगलों ने असम पर एक भी जगह वो नहीं लूट पाया था, क्योंकि ऐसे महान सेनापति थे लचित बोरफुकन, जिन्होंने अपने सैनिक कौशल के दम पर, अपने सैनिकों के साथ उन्होंने मुगलों को 17 हराया। ऐसे थे लचित बोरफुकन। जब कठिन समय आया तो सब साथ छोड़कर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, अगर आपको जाना है तो आप चले जाइए, लेकिन राजा से कह दीजिएगा कि मैंने उनकी बातों का पालन किया है और मैं जरूर ही जरूर इस रणभूमि में उतरूंगा और मैं लड़ूंगा। ऐसे थे लचित बोरफुकन। साथ ही साथ लचित बोरफुकन एक महान व्यक्तिगत थे, बहुत ही महान उनका चरित्र था। सभी को एक संग लेकर, एक संग लड़ने की क्षमता थी लचित बोरफुकन में। अहोम साम्राज्य छोटा था लेकिन उनका हौसला बड़ा था।
एक समय ऐसा भी है कि बंधन लोगों का टूट रहा था, जब वो अंतिम समय में आ चुके थे, फिर भी उन्होंने अपने रक्त के लहू लहू को भरा बहा दिया। आपको याद होगा 1671 का सराय घाट का युद्ध, छोटा सा दल था, मुगल आए थे 30,000 सैनिक लेकर, पैदल सैनिक लेकर, 18,000 घुड़सवारी लेकर, 5,000 बंदूकची लेकर, 1,000 से अत्यधिक तोपे लेकर, इतना सारा हथियार था। लेकिन 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 उन्होंने लचित बोरफुकन ने उनकी कमजोरी को पकड़ा, उनकी कमजोरी से उनको हराया। ब्रह्मपुत्र नदी आपको याद है, आसाम की सबसे प्रसिद्ध नदी। आपको याद होगा 1671 का सराय घाट का युद्ध, छोटा सा दल था, मुगल आए थे 30,000 सैनिक लेकर, पैदल सैनिक लेकर, 18,000 घुड़सवारी लेकर, 5,000 बंदूकची लेकर, 1,000 से अत्यधिक तोपे लेकर, इतना सारा हथियार था। लेकिन 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 उन्होंने लचित बोरफुकन ने उनकी कमजोरी को पकड़ा, उनकी कमजोरी से उनको हराया। ब्रह्मपुत्र नदी आपको याद है, आसाम की सबसे प्रसिद्ध नदी, उन्होंने वहीं पे उसे हराया। ऐसे थे लचित बोरफुकन। दुर्भाग्यवश 1672 ईस्वी में, 25 अप्रैल 1672 ईस्वी में उनका देहांत हो चुका था। दुख की बहुत बात थी, लेकिन आज भी हमें उन्हें याद हम करते हैं। आज भी आसाम में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है उनके दिवस को। केवल आसाम में ही नहीं, पूरे भारत में मनाना चाहिए, पूरे दुनिया में मनाना चाहिए। ऐसे थे हमारे लचित बोरफुकन। तो आप सभी के सामने मेरी छोटी सी भाषण प्रस्तुति, आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।